बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। आज मज़ेदार क्रेलों की रेसिपी बताने वाली वो चटपट करेले के बाप है। ये जब वीडियो इसकी ज़रा लंबी है तो आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। देखने में भी बड़ा टाइम लगता है, देखो अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए भी आसानी करती है मैं। फिर चलो बात बच्चियाँ बात बड़े जो भी है, इस रेसिपी को देखे गौर तो बनाकर आप मुझे भी सेंड कीजिए। अब चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा भट्ट। अब मैं आपको करेले को बाग की रेसिपी बताने वाली हूँ। वो बड़ी मज़ेदार बड़ी अच्छी होती है। करेले के बाग एक होते हैं टाके वाले और एक होते हैं टाके के बगैर। वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ताकि हर वीडियो को मैं आपको मैं अच्छा कलर है। लोग कहते हैं करेले कड़वे होते हैं, करेले कड़वे कैसी होती है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए करेले गोश्त भी बड़े मज़े के बनते हैं, करेले कबाब भी बहुत मज़े। मेरे घर में कभी करेले कबाब होते हैं, कभी करेले गोश्त होते हैं। ये देखिए ये जो आगे से छोटा सा हो ना, इसको मैं इसे टक लगा दूँगी, इतना सा टक लगा दूँगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ ये डंडियाँ काटनी है। देखिए इतने से टक लगाने बस, ये देखो कबाब बनने दे। आपको अच्छी अच्छी वीडियो से ऐड करो। अब ये देखो ये डिब्बा बोल में पानी है, ये डिब्बा पानी का भरा हुआ था मैंने। इसमें ना 3 चम्मच जो है नमक के डाल दी, ये नमक है, ये देखिए ये नमक है 3 चम्मच पानी के अंदर ऐड कर रही। ये पानी के अंदर ऐड करती हूँ कि इसका जो गरबा पन है ना वो सारा निकल जाए। बहुत ही मज़े के बहुत ही मीठे। ये देखिए ये जो मैंने आपके सामने काटा है ना, ये नमक वाले पानी में मैंने डाल दिया, ठीक हो गया। ये जो कबाब बनाए हैं करेले वाले, ये मैं छिड़के नहीं उतारे। इसका असर है, इसका जायका है, इसका टेस्ट है, इसकी ताकत है, यही टेस्ट है। ये देखो ये आपके सामने पानी में डालती हूँ। आप ये देखो मैंने सारे काट के इसके अंदर डाल दी, सारे काट के इसके अंदर 2 किलो करेले थे मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए नमक वाले पानी। अब 20 मिनट के बाद जब ये नरम इसके अंदर से नरम हो जाएगा ना, ये देखिए 20 मिनट के बाद ये नरम हो जाएगी ना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्या करना है, किस तरह तैयार करनी है। ये 20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कि मैंने 20 मिनट के लिए रखा है इसको करेले, नमक और पानी में डाल के ना करेले, ये 20 मिनट हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है, ठीक है। ये बारीक नोकली चम्मच ले लो, स्पून कोई भी चम्मच आपके पास है, ये बारीक नोकली हो जाए, ठीक है। अगर बड़ी छुरी है तो वो ले लो, अगर चम्मच है तो चम्मच से ले लो। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है। ये चीज़ अब नरम हो जाती है, इस तरह निकालना ये चम्मच। ये कबाब है बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़े की, मैं कहती हूँ कमाल के कबाब है। आप मेरी खाने को बनाते हो तो फिर आप ये भी किया करो मेरे साथ। अभी मुझे मैसेज से फ़ोन आए हुए थे, एक बदला कह रहे थे कि वो कटलस आंडी हमें कटलस का भी बताओ और बड़े गोश्त का पुलाव भी बताओ। ठीक है बेटा, मैं आपको अगली रेसिपी में बताऊंगी कि बड़ा गोश्त का पुलाव कैसे बनता है। ये देखो ये अभी मैंने चम्मच के साथ निकाला है इसके अंदर, ये देखो हो गया ना खाली, ये देखे ना अच्छा बन। इसमें कोई शुरू देखो आप, ये देख अब इसको हम जैसे खरबूजे के अंदर से बीज निकालते हैं ना, वैसे इसको ये निकालना है, ये बीज निकालना है और ये फेंकना नहीं है, ये इसी के अंदर पकाना है। इसके अंदर ये टेस्ट है जो ना नरम हो जाते हैं। फिर मैं इसको इसको निकाल के मैं आराम से करूँगी। ये चांदनी है, नमक वाले पानी से भी ज़्यादा देर बना रहेगा ना फिर ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे मैंने इसको इसके अंदर ही ऐड करूँगी। जब ये खुशक होती है ना फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ भी इसको क्या करना है, ठीक है। मैंने ये बीज निकाल लेते ना, ये देखो ये सारा मांस इधर आ गया, ये बीज है, ये देखो इसके अंदर से बीज निकाला मैंने। ये सारे जो बीज है ना, ये देखो
ये सारे इसके अंदर से निकाल लें, ये लहजा कर, ये लहजा कर, ठीक है। अब मैं आपको ये 2 किलो कीमा है और ये है जीरा साबुत, ये है करेले को बाग, ये 2 किलो कीमा है, ये जीरा है, ये सूखा धनिया, ये अजवाइन और ये लाल मिर्च, मोटी लाल मिर्च, ठीक है। उसके बाद ये किलो प्याज है, ये किलो प्याज है, कितना जाएगा मैं आपके सामने पेश करती हूँ। ये 3 टूनियाँ लहसुन की, बस इसे ज़्यादा नहीं जाने, ये 3 टूनियाँ जो है ना वो लहसुन की, तो 2 कर लेती हूँ क्योंकि इसकी वो तो मैं ज़्यादा हो जाती। ये देखो 2 टूनियाँ लहसुन की, ये 1 किलो प्याज था, कितना जाएगा इसके। ये मैंने 1 किलो से ना ये 3 बचाए, 1 किलो प्याज था जो 3 बचाए हैं मैंने, ये नहीं डाले, वो मैंने जितने डाले थे वो डालती। इसमें 1 लीटर जाएगा, ठीक हो गया। इसका मैं इसलिए डालती ये बहुत फायदेमंद है नींबू के छिड़के जो है, ये देखो 1 लीटर डालती है, बाकी अदरक कम नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं जाना। ये कीमे का मसाला बना रही, ठीक हो गया। अब इसमें हरी मिर्च आपके टेस्ट के मुताबिक डाल, मैं ज़्यादा लेती हूँ, टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च इसके ऊपर डाल सकते, ठीक हो गया। साथ ही ये धनिया, ये मैं ना धनिया फ्रीज करके रखती हूँ, नींबू भी फ्रीज करके रखती हूँ, नीचे ना रेफ्रिज में रखकर तो ख़राब हो जाता है, मैं फ्रीज कर लेती हूँ, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ये अब इसको कवर कर, अब मैं इसको कवर करने लगी, ठीक है। कवर करती है, अब मैं सब कुछ ऐड कर लिया, अब मैं इसे और करने लगी, ठीक है। अब मैं इसको खोल रही हूँ, बाबरों का मसाला तैयार किया जा रहा है। ये प्याज जो है ना, ये मैं आपको बाद में बताती इसका क्या करना, बाकी ये थोड़ा सा जो प्याज है ना, लहसुन अदरक जो मसाला बनाया है, इसे मैं कीमा ऐड करती हूँ आप ही के साथ, ठीक है। ये कीमा 2 किलो बताया था मैंने आपको, ये फ्रीक मशीन का कीमा लेना, मोटी मशीन वाला नहीं, क्योंकि करेले के अंदर जाना है ना, तो ये मोटी मशीन का नहीं, फ्रीक मशीन का कीमा। और बाकी ये मैं आपको बताती इसका क्या करना है, इसका और इसका बताती ये क्या करना है, बाकी जो है ना ये मैं आपको बताती क्या करना। ये आधा कीमा और प्याज इसके अंदर बैठ कर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऐड करना है, ये मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, ये नमक भी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हो, ये हल्दी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये कबाबों के लिए बता रही हूँ, ये 2 हिस्से कर दूंगी मैं, क्योंकि कबाबों के अंदर जा रही, ये हल्दी भी, ठीक हो गया, ये नमक, ठीक हो गया, नमक ज़्यादा नहीं मैंने ऐड किया, कम किया, बाद में पीछे पीछे। उसके बाद ये सूखा धनिया है, ठीक है, ये जीरा, ठीक है, ये अजवाइन, ये फुट करेले कहते हैं ना, करेले को बाप ही कहते हैं, जो आप अभी करता कहते हैं, ये देखो ये जीरा डाल रही हूँ और ये सूखा धनिया, ये देखो सूखा धनिया, ऐसे ऐसे डालना सूखा धनिया, सूखा धनिया, ठीक है। इसकी खुशबू क्या बात है माशाल्लाह, कितनी खुशबू है इसकी, कितना अच्छा टेस्ट है इसका। ये अब अजवाइन जाएगी, अजवाइन जो ना करेले के बाद में, इसकी भी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, ये भी जाएगा और अनारदाना ये भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने ग्राइंड करनी थी, मेरे पास किसी है वो मैं डाल देती हूँ, ये वाली जो मिर्ची था इसे मैंने ग्राइंड की थी,
ये है वो, ठीक है, आप ज्यादा कम कर सकते हो। अब इसको मैंने मिस कर दिया, ये मिस है। मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ, कुछ सब्जियाँ कुछ दालें इसमें गरम मसाला ऐड नहीं होता, इसमें गरम मसाला ऐड नहीं होगा, बाकी सब कुछ है। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है ना, यही चलेगी। अब इसके बाद मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाती है। अब इसके बाद मुझे मैं तेल, ये हालत सरसों का तेल है, ये कीमे का। मैंने इसको क्या करना था, मैंने कहा इसमें ऐड कर दूंगी, हो मैंने इसको पकाया नहीं है, ये कच्चा कीमा फ्रीज मशीन का कीमा है, मैंने इसको पकाया नहीं है, ये कच्चा कीमा है, क्योंकि हम करेले फ्राई करेंगे ना, ये उसी में फ्राई हो जाएगा सब कुछ, ठीक हो गया। इतना मसाला लगाएगा वो भी मैं आपको ये करूँगी, लेकिन आप मुझे याद आया, आप मेरा चैनल देख लेते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है, फिर मैं आपको कैसे मज़े मज़े की चीज़ें बताऊंगी। ये देखो दूसरा इसके अंदर है, ये भी आपको बताती है क्या करना है, ठीक है, कीमे के अंदर जो आप कहते हैं ये वो है। अब ये ऐड हो गया सारा कुछ, इसमें मसाला नमक टेस्ट कर लूँ, क्या बात है, क्या करा रहा है, क्या मज़े का। अब ये तेल गर्म हो रहा है, देखो इसकी स्मेल जो ना वो ख़त्म करनी है, इसी होगी ना, फिर मैं आपको दे बताती क्या करें। तेल रखा हो ना, अब इसकी स्मेल जो ना वो जा रही है, ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया था ना, करेलों के आटे से काटे थे, अब इसको लहदा कर रही हूँ, इसको लहदा कर रही हूँ, अब जैसे कुछ स्मेल ख़त्म हो गई। ये बड़ा लंबा काम है, इसलिए वीडियो ज़्यादा बन रही है, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे तो आपको पता लगेगा ना कि करेले को बाप किस तरह बनाते हैं। कसम प्याज इस तरह के बनाएंगे ना, तो प्याज प्याज घर में चांद चांद हो जाएगा। बच्चों को सब्जियां खिलाए करें, सब्जियों की आदत डालो बच्चों को, ये देसी खुराक है जो बच्चे बच्चों को खानी चाहिए। ये देखो ना करेलों की आटे से इसको भी मैं हर वीडियो में आपको ये बताती हूँ कि जो वो है ना गरम मसाला इसमें नहीं जाता है, कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जिसमें गरम मसाला ऐड होता है और किसमें नहीं होता, इसमें जो ना ख़त्म हो गई। ये देखिए कलर देखिए कितना अच्छा है, मैं तो इसी में पकौड़े मछली कटलेट्स वगैरह हर चीज मछली फ्राई, ये तूफान नहीं है, ऑयल जो है ना वो तूफान है। ये देखिए आप, ये जो मैंने काटे थे ना कबाब वाले करेले बनाए थे ना, ये खाली इसके अंदर से मैंने निकाल के, ये देखिए ये निकाले थे इसके अंदर से मैंने, तो ये देखो अब इसको मैं फ्राई कैसे करती हूँ। ये फ्राई करने से कच्चापन जो होता है ना इसका ख़त्म हो जाएगा, फिर करवे करवे नहीं होते, ठीक है। या मैं इसके अंदर डाल दूँ, ये देखिए कितना अच्छा कलर हो रहा है, जो है इसको काट के इधर, अब इसको टाइम लगेगा, इस तरीके आने को फ्राई किया करे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का आसानी से मिल सके। इसके साथ मक्खन की लस्सी बना लो, रायता सलाद बना लो, तंदूर की रोटियां हो, क्या बात, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से सुकून से बनती चीज़ें, ये वो करो मसाला करो ये करो ये देखो, तो कच्चा कीमा है, तो एक मशीन का कच्चा कीमा मैंने लिया 2 किलो, तो ये देखो कच्चा कीमा है, इसको मैं आपको बताती हूँ क्या करना, ये जरा फ्राई हो गई, ये फ्राई हो गया, देखिए अब मैं इसको निकाल दूँ, ठीक हो गया। ये ना ये वीडियो बहुत लंबी है, तो इसको जरा गौर से शुरू से लेकर गौर से आगे तक देख रही है, ये वीडियो बहुत लंबी इसलिए बनी है कि मैं आपको आसानी से पता लग जाएगा ना कैसे बनाने, किस तरह करनी, किस तरह फ्राई करनी है, मसाला बनाना है, ये प्लीज़ आप जरा एंड तक देखिएगा, तो इंशाल्लाह आप बना के तो मेरा भी मुझे कमेंट कर या करो, ताकि मैं भी देखूँ कि लोग क्या बना रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने आपको सिखानी है, बताना भी है,
केक है, पिज़्ज़ा है, रोल पराठा है, बहुत कुछ है। कई लोग बच्चों ने लोगों ने कहा हुआ है कि हांडी अभी कड़ी पकौड़े और वो क्या करते हैं कटलस का और बड़े गोट का खुला है, ये भी मैं आपको बेटा इंशाल्लाह करूँगी। अब ये देखो जो पहले निकाल दी मैंने, अब इसको मैंने इतना जो ठीक हो गया, अब इसके अंदर क्या जाएगा ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो है ना जो करेले को मैंने छोटे कट किए, अब ये फ्राई होता ठीक हो गया। अब ये करेले जो है ना इसके अंदर फ्राई हो जाएंगे, बड़े अच्छे बनते हैं, बहुत ही मज़े के। मैं कहती साथ लस्सी हो। अब इसके अंदर ये जो मैंने बीज निकाले थे ना ये लैदा किए थे, ये बहुत खालिस चीज़ है, देसी खुराक है, अपने बच्चों को खिलाओ खुद भी खाओ, इसी में ताकत है, इसी में ताकत है। और क्या खा सकते हैं आदमी भाई से जो खाने की बजाय घर में बना के बच्चों को दो, ये बेहतर भी चीज़ें फ्राई हो रही है क्योंकि देर भी ठंडा हो जाएगा करेले के बाद। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको क्या करना है, ये जब ठंडे होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर मैंने कीमा पड़ दी। ये बहुत लंबी वीडियो में आपको बार बार कह रही हूँ, इसको एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, गर्म गर्म में हाथ चल रहे हैं, ये आपके घर वाले खाएंगे ना यकीन करें वो आपको भाई घुमाने लेके जाएंगे। अब मैं देखती ये जो ये ठंडे होते हैं इसको मैंने पकाया नहीं है, इसको मैंने पकाया नहीं है ना ही इसको मैंने कुछ किया है। आपके सामने कच्चा प्रीट मशीन का कीमा था, उसी के अंदर सारे मसाले ऐड किए, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आसानी से। जिन बच्चों की शादियाँ हुई हैं वो भी आराम से स्कूल से ये खाने बनाए, कोई मसला नहीं है। ये देखो कितना अच्छा कलर है, इतनी खुशबू है कि मैंने क्या बताऊँ। ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, अब इसका मसाला जो इसके अंदर सारे के जज्ब हो जाएगा कि मैंने कबाब बनाने शुरू कर दिया। आप ही मुझे बना के ही कबाब किया करोगे, बरीक मशीन का कीमा हो। ये देखो अब मैंने एक कबाब पकड़ा ना, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया, ये कच्चा कीमा है, दोबारा इसको फ्राई करूँगी ना ये कीमा सारा पक जाएगा इसके अंदर। देखो आराम से करना, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक है। इसी तरह कर करके ना सारे करेलों को, मैं बार बार कह रही ये वीडियो बहुत लंबी है इसलिए टाइम लगता है इसका काम करते करते। ये देखो तैयार हो गया कबाब, ये देखो कितना अच्छा कलर है, देखो कितनी अच्छी खुशबू, ऐसे भी कच्चे ही खा लेते। ये अब मैं ये सारे कबाब जो ना वो तैयार कर लूँगी, कुछ देर मैं इसको देखूँ ये फ्राई हो गए कि नहीं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये फ्राई हो गया कि नहीं, देखो कितना अच्छा कलर, सब कुछ इसमें ऐड किया, कोई चीज़ दाया नहीं करी। ये शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कोलेस्ट्रोल के लिए भी बहुत अच्छी है। घर वालों को बना के खिलाओ, साथ चटनी सलाद रहता है, मक्खन की लस्सी बना लो, हर घर में तो दूध होता है। ये अब मैं तैयार कर लूँ करेले के बाद तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। करेले के बाद मेरे तैयार हो गए सारे, मैंने भर दिए हैं माशाल्लाह, ये देखे सारे करेले के बाद है ना, ना टूटे हैं ना ख़राब हो गए, बिल्कुल वैसे बस आराम आराम से भरना है ताकि ये पट ना जाए। ये देखे कितने अच्छा कलर है, कितने अच्छे, ये देखे करेला के बाद। अभी मैं आपको ये देती हूँ, अब ये फ्राई हो गया, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। मैं बार बार यही कह रही थी ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, ये आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देखिए ये फ्राई हो गया, ठीक हो गया। अब जी अब मैं बताती हूँ इसको इसको क्या करें, बहुत बड़ी वीडियो है आप एंड तक देखिएगा। ये मैंने रख दी है अब तो, अब मैं ना ये को पाप है, ये इसके अंदर कीमा कच्चा डाला था ना मैंने,
ये देखो कच्चा कीमा था, इसमें सब कुछ ऐड किया था। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, ये कीमा भी फ्राई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये देखो भाई आराम से रखनी है, बिल्कुल आराम से। मैं चले तो 10 मिनट भी फ्राई करनी है, ये 10 मिनट के अंदर अंदर ये फ्राई हो जाएगी। फिर मैं निकाल दूँगी इसको, 20 मिनट लगे थे फ्राई होने, इसको ना 20 मिनट लगे थे फ्राई होने। ये देखो कितना प्यारा कलर है, कितने अच्छे हैं, मैं तो कच्चे खा लेती जैसे चिप्स खा रहे हैं आप लोग, कैसे खा रहे जैसे चिप्स खा रहे हैं या रोज खा रहे हैं। ये देखो माशाल्लाह अल्लाह की शान है, इसलिए कहते हैं सब्जियाँ बच्चों को आदत डालो। फ्राई हो जाएंगे, अब ये फ्राई हो जाएगी ना फिर मैं आपसे मिलेंगे, उसी देर तक हम सलाद और चटनी रायता बना, ठीक है। ये अब मैं ये फ्राई हो गया, ये 10 मिनट में फ्राई हो जाएंगे बस, फिर इसको निकाल लेंगे हम। देखिए अब ये फ्राई हो गई, ठीक है, टूटे नहीं है, बड़े आराम से बड़ी मेहनत से ये बनाए। ये वीडियो को आराम से एंड तक देखनी, आपने बड़ी मेहनत है, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकती, पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब तो किया, मुझे पता तो लगे, आज खाने को लाइक करते हैं कि नहीं, कमेंट करके बता दें। अब ये हो गया फ्राई, अब इसको मैं निकाल दिए, अब मैं चूल्हा ऑफ कर, अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना, ठीक है। आपकी कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ाती है, अब इस अंदर जाएगा ऑयल, ये अब कबाबों का मसाला तैयार होने लगा है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसको एंड तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि किस तरह बनानी, आपके लिए भी आसानी। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर, मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डाल रही, अगर आप लोग डालना चाहते हैं लेकिन जायका नहीं आएगा, मैं एक ही टमाटर चटपटे बहुत ही टेस्टी, मैं टमाटर ना भी डालूँ तो क्या बात है, चटपटे बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। देखो आज जो मैंने आपको बताया कि मैं ये मसाला फ्राई, मैं कहीं भी ये जो फ्राई होता रहेगा मसाला लगा हुआ था, ये भी फ्राई हो जाएगी। ये मैंने टमाटर डाले थे ना घी के अंदर, देखो आप ही डाले थे ना, फिर कितना अच्छा कलर की अच्छी खुशबू आ रही है, ये देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर जाएगा ये कीमा मसाले का, ये जो मैंने कीमा बनाया था ना कबाबों के लिए, ये अंदर जाएगा सारा कीमा। टाइम बहुत लगता है, आप वीडियो को देखिएगा उससे लेके आज तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब ये मैंने कीमा डाल दी है, अब इसके अंदर एक गिलास पानी डालना, तब ये कीमा गल जाएगा, फिर इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, मैंने क्या करना, ठीक है। तो मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ, ये एक गिलास पानी है, ये देखो पानी एक गिलास है, इतना पानी है बस एक गिलास पानी। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी, डाल दूँगी भी इसके ऊपर ढक्कन देकर, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जिसे मैं सलाद बना लूँ। ये जो बाकी जो प्याज मसाला भी भिजाया था मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दूँ। ये बस 30 मिनट में लगे इसको पकाने में, ये गल गया सब कुछ, अब इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको। तो उसके बाद ये जो मिर्ची हल्दी नमक ये जाएगा, जो बच गया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ये मिर्ची जाएगी, ये हल्दी जाएगी और ये नमक बस, ज़्यादा न हो। अब इसको भूनना, भूनना ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का फुल्का, खुशबू बहुत प्यारी है, याद बताऊँगे। ये करेले को बाप का मसाला तैयार हो गया, आपके सामने सारा मैंने शेयर किया, मक्खन भी बना दिया है, अब लस्सी भी तैयार होने वाली है, बस सलाद भी बन गया। और एक बात ये है कि करेले फ्राई हो गए बच्चे, ये करेले इसके अंदर जा रहे हैं, ये जो प्याज डाला है इसके अंदर करेले जा रहे हैं, देखो कितना अच्छा कलर है,
अभी मेरे बच्चे कच्चे खा रहे थे, मेरे हाथ में बेटा पकने को दो पहले बेटा कसम से बड़ी खुशबू आ रही है। अब ये कबाब टूटे नहीं है, देख आपके सामने ही दम पे रख रही हूँ, ठीक है। ये आग भी दिखा दे, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है, ये हल्की आंच में मैंने रख ली है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, ठीक है, आपके साथ से पैक करूँगी। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का आसानी से मिल सके। कखन खा के देती किता का क्या बात है, अल्लाह की शान है, सुबह ना क्या बात है, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा कलर शुक्र क्या बात है। अभी तो मेरे बच्चे दो तीन ऐसे ही खा थे, अब है क्या जादू खिला दिया मेरे बच्चे, कह रहे हैं मम्मा सारे घर में खुशबू आ रही है। अब माशाल्लाह मेरी चीज़ें सारी रेडी हो गई हैं, करेले कबाब भी तैयार हो गए हैं, मक्खन लस्सी भी तैयार हो गई है, साथ ही वो इमली की चटनी भी, इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, पेज खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। ये धनिया पतीने धनिया और वो चटनी जो चटपट चटनी, ये खीरे का रायता था, ये सलाद है ऊपर मैंने देखे। आपको ये डिश कैसे लगी है मुझे जरूर ट्राई करके बताना और लाइक करके ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से मिल सके, ठीक है। चटपट करेले की रेसिपी देखे आप कैसे बनाई है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता था। प्लीज़ इसको शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, बड़ी मेहनत है इसमें, और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या रिजल्ट है इसका। अब बुशा पार्टी को जाते दीजिए, अल्लाह हाफिज़।